बढ़ते जा रहे हैं, 3 million, 4 million में जा रहे हैं. So I hope you are very interested to know the details. So let's talk about the first song released by TOBC Entertainment, जो कि 2020 में रिलीज हुआ था. उसका नाम है तुम मेरे पास. और आई थिंक आप उसका पोस्टर देख सकते हो, वहां पे है. वी आर स्टार्टिंग टू लेट्स सेलिब्रेट ऑल द सुपरहिट सॉन्ग्स बाय टीओबीसी कंपनी. इसके 3 million व्यूज ऑलरेडी आ चुके हैं. आई विल रिक्वेस्ट द एक्टर्स भाविन भानुशाली एंड प्रज्ञा कोडले जी टू कम ऑन स्टेज एंड से समथिंग अबाउट द एक्सपीरियंस. सब ऑन द वे है, ये मुंबई में सब ऑन द वे ही रहते हैं. आई होप कि शो खत्म ना हो जाए. You know, best thing, we should do a live with them and they can just say that, sir. Yeah? Okay, can we have the singer, Mohammed Irfan ji? Singer of the song? Is he here? No? On the way. Music director, Sugat Dhanvijay ji. Yahan pe maujood hai! Big round of applause! And I also request director and DOP Dhruval Patel ji. On the way, okay. आपको वो भी बोलना पड़ेगा. आपको एवरीवन, आप यहाँ पे आ जाइए. आप कुछ बनाएंगे हमारे लिए? So तुम मेरे पास was the first song I collaborated with Shyam Singh and he was very nervous. जब वो आया था कि बोल रहा था मुझे एक बहुत अच्छा सॉन्ग करना है, उसने मेरे से 25 गाने सुने थे. उसके बाद 25 सॉन्ग सुनने के बाद उसने गाना फाइनल किया था. बट फॉर्चुनेटली द सॉन्ग वर्क्ड रियली वेल एंड इट्स स्टिल वर्किंग. वी हैव गॉट अराउंड 3.4 मिलियन व्यूज टिल नाउ. This was the story of my short story. Okay, so सबसे पहले मैं बात करूंगी लोड ऑफ माँ के बारे में. जैसे कि आप सब जानते हो ये माँ के बारे में है, तो आई थिंक माँ सबसे बड़ी है दुनिया में. तो एंड सेकेंड थिंग की वर्क विद टीओबीसी एंड शिवम के साथ काम करके बहुत मजा आया. लाइक जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये टीम बना के नहीं चलती है, फैमिली बना के चलती है. तो ये मेरी फैमिली है और इनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड हमारे डीओपी शिवम सिंह और डायरेक्टर सर, क्या नाम था, ओमकार सर, तो इन सब के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. थैंक यू. That's coming next. When I started working on the song came out really emotional. Even when I was working on the music and lyrics of the song, we, the lyricist and my whole music team was very emotional while working on the song. But the good thing is, उसके साथ song के साथ video भी काफी अच्छा बना है, and we have got really good reviews for the song and it's also going really well. Thank you so much. Thank you so much, Sugat ji. And Parthi Parda ko. और ये बहुत romantic, emotional song है, जो कि आपको पता है हर किसी की life में होता है. So बहुत मतलब मुझे personally मुझे लगा भी था कि इतना प्यार मिलेगा, लेकिन बहुत प्यार मिल रहा है Parthi Parda ko. और ये song मैं I think आप सबने देखा ही होगा कि बहुत ही प्यारा song है जो हमारे जिन्होंने कंपोज किया है सुगत जी ने. और लिथवी के साथ काम करके आई थिंक बहुत अच्छा लगा. और फिर से मैं वही बोलूंगी, फैमिली के साथ काम किया और बहुत मजा आया. तो बाकी आप ये गाना देखते रहिए. जबरदस्त ताली होनी चाहिए. सक्सेसफुली बहुत अच्छे तरीके से एक साल कंप्लीट किया है. I am producer of Elegant Eye Production, जयपुर. हम लोग जयपुर से हैं. मेरे साथ वाइफ से अनिता है, मैटी शर्मा है, राहुल भाई है. और हम लोग जयपुर से बिलोंग करते हैं. हमारा भी एक यूट्यूब चैनल है Elegant Eye Production. हमारी मुलाकात हुई थी सबसे पहले सुगत भाई से. तो उनसे टेलीफोनिक जब बात हुई, उन्होंने बोला ये सॉन्ग है जो
यूबीसी एंटरटेनमेंट ने बनाया है और आप इसको रिलीज कीजिए। सॉन्ग देखते इतना अच्छा लगा, पूरी कास्टिंग और वीडियो सब भी देख कर बहुत अच्छा लगा, तो हमारे बाद भी हमने फिर इसको हमारे चैनल पे कल ही रिलीज़ हुआ है और अभी बहुत अच्छा चल रहा है। और टीयूबीसी जो है वो अच्छा काम कर रही है, आगे हमारे और भी कई वेंचर्स है इसमें साथ में और हमारे भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। कल ही एक अच्छा सॉन्ग हमने सुनील भाई के साथ रिकॉर्ड किया है, जो कि सोनू कक्कड़ जी ने हमारे लिए प्लेबैक किया है और वही फीचरिंग करेगी। तो आने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, कल भी एक रिकॉर्डिंग है वो अभी ओपन नहीं कर सकता। तो और हमको बहुत अच्छा लगा कि आज मुंबई आया, फर्स्ट टाइम हम मिल रहे हैं सुखद भाई से सबसे, और मनप्रीत ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है इसमें और सबको बहुत अच्छा लगा है और फर्स्ट टाइम हम मिले हैं तो इस मोमेंट में मिला हुआ तो हमारे बहुत इंस्पिरेशन लगी। थैंक्स अ लॉट टू यू ऑल, सुखद भाई को बहुत धन्यवाद। एक लव स्टोरी है भैया, और इस सॉन्ग को हम शूट कर रहे किया है हमने शिमला में, और जब हम इसको शूट कर रहे थे तो बहुत प्रॉब्लमें हुई हमें। हमारे डायरेक्टर जो कुलजीत जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे, तो वो नहीं आ पाए क्योंकि उनका एक शूट चल रहा है अभी, तो नहीं आ पाए। बाकी एलिगेंट आई प्रोडक्शन हाउस से रिलीज़ हुआ है सॉन्ग और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सो बहुत खुश हूँ मैं और अच्छा लग रहा है। सॉन्ग फॉर मी, यानी जब मैंने कंपोज किया था ये सॉन्ग दैट टाइम, एक्चुअली मैंने सिर्फ फर्क नहीं पड़ता है का एक हुक लाइन दिमाग में रख के मैंने कंपोज किया था। देन बाद में जो इसकी लिरिसिस्ट थे शायरा अपूर्वा, जिन्होंने तुम मेरे पास भी लिखा हुआ है, तो उनसे डिस्कस करके आई गॉट द होल लिरिक्स रेडी और देन आई मेड द सॉन्ग एंड मनप्रीत हर्ड द सॉन्ग, मनप्रीत लव्ड इट एंड वी डिसाइडेड टू मेक द वीडियो विद यूबीसी एंड शिवम सिंह finally made it possible for me for that. Thanks going again really well. Okay, that's what Shivam ji ko bolna tha. And hi everyone. Hello. Actually jitne bhi abhi tak shoot kiye hai hamari company ne TOBC entertainment, almost sabhi shoot pe main saath raha hu Shivam ke, he is my best friend. काफ़ी टाइम से हम लोग साथ में, जब पढ़ते थे तब भी और अभी काम कर रहे हैं तब भी। तो फर्स्ट मुझे एक कॉल आया जब शिवम शूट कर रहे थे लोट आओ, काफ़ी दूर था अरुणाचल प्रदेश, हमने ये शूट किया, एक नया चैलेंज था हमारे लिए क्योंकि एक ऐसी लोकेशन में शूट करना जहाँ जितनी फैसिलिटीज़ हम यहाँ मुंबई में अवेलेबल करा सकते हैं वहाँ पॉसिबल नहीं, तो बहुत चैलेंजिंग था। होटल्स वगैरह और कैमरा ये सब अरेंज करना बहुत मुश्किल था, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हम लोगों का ऐसी हैं जो अवेलेबल करने में अपनी टीम को बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, बट शिवम काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाए, उन्होंने बहुत मेहनत की, पूरी टीम को एक साथ बना के चले और ये गाना बनाने में हम लोगों ने बहुत मेहनत की। एक्चुअली यार ट्रेवल इतना ज़्यादा था कि पूरी टीम टायर्ड थी, बावजूद उसके हम लोगों को पूरी टीम को शिवम ने वहाँ स्टे कराने के बाद भी 2-3 दिन रेस्ट कराया, सबको रेस्ट कराया, उसके बाद हम लोगों ने वो शूट किया ताकि हम गाना अच्छे से शूट कर पाए। टाइम कम था, 2 गाने करने थे लेकिन टाइम की वजह से हम वहाँ में सिर्फ 1 गाना कर पाए, उसके बाद हमने यहाँ आगे शूट किया। जर्नी जितनी अभी तक रही है पिछले टाइम की, पिछले 1 साल में हमने इतने सारे गाने किए हैं और सभी अच्छे रहे, आने वाले टाइम में भी कुछ सॉन्ग्स आने वाले हैं। लोटा हुआ में मेरा भी एक छोटा सा कैरेक्टर था, एक्चुअली शिवम ने मुझे बोला कि एक फादर का कैरेक्टर करना है, तो मुझे लगा कि अभी मेरी एज ऐसी है नहीं जो मुझे करना चाहिए, लेकिन चैलेंजिंग था क्योंकि अपनी एज से ज़्यादा एक ज़्यादा एज के बंदे का कैरेक्टर करना बहुत चैलेंजिंग होता है। मैं फोन भी बांधता था, बड़े बाल थे सब, मैसी टाइप, तो मुझे बोला कि भी ये कैरेक्टर मैं कर पाओगे या नहीं कर पाऊंगी, मैं हर जगह अवेलेबल हुआ अगर तुम बोलोगे तो मेरे बाल काटे, छोटे छोटे बाल किए, बियर्ड वाइट सब करने के बाद एक सीन दिया, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे ये लगा कि मैं पहली बार कुछ कर रहा हूँ तो वैसा लगना चाहिए। उसके बाद अभी रिसेंटली एक हम लोगों ने एक और शूट किया है साथ में, मे भी जल्द से जल्द आप लोगों के सामने आएगा वो भी, 1 महीना 1.5 महीना ज़्यादा से ज़्यादा, तो अच्छे से उसको भी हम लोग रिलीज़ करेंगे।
और शिवम के साथ अभी तक काम करने में बहुत मजा आया, और आगे भी वैसे ही एज टीम मेंबर, एज फ्रेंड, एज फैमिली हम लोग साथ में काम करते हैं। थैंक यू। स्ट्रगल की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, और मैं, मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि कभी सपोर्ट नहीं रहा, बट स्टार्ट किया मैंने एज अ, मेरा होटल जॉब था, मैं होटल में एज अ मैनेजमेंट पूरा मेरे हाथ में था, दिल्ली में काफ़ी टाइम तक वहाँ पे मैं एज अ वेंडर काम करता था, ठेकेदार, एज अ ठेकेदार काम करता था वहाँ पे, और वो करते करते मैंने 4-5 साल वो काम किया, और वहाँ से थोड़ा अर्निंग किया और वो जोड़ के मैं मुंबई आया, और मुंबई में स्टार्ट जब एज अ एक्टर मैं करना चाहता था, पर एज अ एक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, नहीं मिला, मैं आरमनगर भटका और बहुत जगह भटका, कहीं पे भी मेरे को नहीं लगा कि नहीं कर सकता, तो जो पैसे मैं आया था जोड़ के कि अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो इन पैसों से थोड़ा आगे बढ़ जाऊंगा, तो वही पैसे थे मेरे पास, और मैंने एक टीम बनाई छोटी सी, और वो टीम ने मेरे को बहुत साथ दिया, जिसमें मनी है, मेरे मनी है अभी यहाँ पे टीम से, शक्ति है, शिवम भाई हैं, तुषार है, और सुनील भाई हैं, और सुशील है, प्रतीक्षा है, प्रतीक्षा ने मुझे बहुत हेल्प किया है शुरू से ही, और हम एक जब स्टार्ट कर रहे थे तो हम सोच रहे थे कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो हमने पहले सबसे पहले सोचा कि शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, यूट्यूब चैनल खोलते हैं, बट क्या था, एक शॉर्ट फिल्म बनाना, यूट्यूब चैनल खोलना, वो भी एक बहुत बड़ा, उसके लिए भी एक बड़ा इन्वेस्ट था, पर मेरे पास वो था नहीं, तो हमने एक टीम, छोटी सी टीम बना के हम एक मीटिंग करते थे अपना पार्क में, कहीं बैठ गए, कहीं रेलवे स्टेशन के पास बैठ गए, कहीं ना कहीं बैठ के हम एक मीटिंग करते थे, और वहीं पे हमने सोचा कि हम एक म्यूज़िक कंपनी ओपन करते हैं, जिसको हम छोटे छोटे गाने बनाएंगे और स्टार्ट करेंगे, बट मेरा सपोर्ट इतना अच्छा था कि सभी लोगों ने सपोर्ट किया, राशि का नाम मैं लेना चाहूँगा, बहुत हेल्प किया उस, मेरी फ्रेंड ही है, और उसने मुझे नाम दिया और उसका नाम, उसने मुझे नाम दिया, रजिस्टर कराया, चीज़ें कराई, और हमेशा उसने हेल्प की। प्रतीक्षा हर चीज़ संभालती है, हर चीज़ देखती है आज कंपनी में, और बहुत सपोर्टिव है, कभी भी उसको कुछ भी बोल दो तो तुरंत हो जाता है, तो सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं प्रतीक्षा को। और उसके बाद मैं जब स्टार्ट कर रहे थे तो मैं गाना देख रहा था कि एक सपोर्ट मिल जाए किसी का, तो मेरी एक एक्टर है जो नहीं आ पाए, वो अरुणाचल, सॉरी देहरादून में है अभी, प्रज्ञा कोटले, और उनकी मदर संध्या कोटले, उन लोगों का भी मेरे पे बहुत बड़ा, मेरी कंपनी में बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने, क्योंकि जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मैंने उनके आगे प्रस्ताव रखा कि मैं ऐसे ऐसे स्टार्ट करना चाहता हूँ चीज़ें, तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, और फिर हमने एक डिसाइड किया कि हम एक गाना करते हैं, और वो गाना जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो सबसे पहले मेरे को, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ से गाना लूँ, कैसे स्टार्ट, कैसे मुझे जाना है, किससे मिलना है, तो अचानक चक्कर मैंने गूगल पे ही एक सर्च मारा कि म्यूजिक कंपोजर कोई मिल जाए, तो मुझे सबसे पहले सुगत भैया का नंबर मिला, तो मैं वहाँ से सर्च मारा सुगत भैया का नंबर और जाके मैं इनसे मिला, सुगत भैया से, तो फर्स्ट टाइम जब मिला तो मेरे को ट्रस्ट नहीं था कि मैं काम करूँ इनके साथ, क्योंकि यहाँ पर मैंने सुना था कि आप अगर किसी को 4 रुपये दे रहे हो तो 1 रुपये का काम नहीं मिलेगा और वो 1 रुपये भी बर्बाद हो जाएगा, और मुझे डर था कि मेरे पास वही 4 रुपये या जो भी पैसे थे मेरे पास वही थे, और मैं उन्हें खोना नहीं चाहता था कि कहीं पे भी ऐसी जगह पे मैं इन्वेस्ट कर दूं और किसी को दे दूं जो मुझे, मैं आगे जो सोच के जो टीम बनाया, जो करना चाहता वो ना कर पाऊँ, तो जब मैंने इनसे मिला तो इनसे एक मीटिंग की, उसके बाद मैंने ऐसे ही सर्च मारता रहा, और 4-5 दिन में काफ़ी लोगों से मैं मिला, तो काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया मुझे, होटलों में बुलाया, रेस्टोरेंट में बुलाया, खिलाया पिलाया, पर मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं रहा, क्योंकि भैया ने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि हम बनाते हैं अच्छे से, मेरा ये गाना रहेगा, उन्होंने जिस तरीके से मुझे समझाया था वो मुझे जेन्युइन लगा, बाकी सब लोगों ने, सब लोग आप समझ सकते हो कि
तो उसके बाद मैंने गाना लिया, फिर मैंने तुम मेरे पास बनाया और सभी लोगों ने साथ दिया मेरा। उसके बाद धीरे 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 पता ही नहीं चला कि कब मेरे इतने गाने रिलीज हो गए और बन गए। अपकमिंग में अभी मैं गाने का मेरे शूट हुए हैं, अभी 3 गाने में शूट करके आया हूँ, रश्मि देसाई और पारस कालानावत एंड विशाल पांडे। तो मेरे अपकमिंग में 3 गाने आने वाले हैं रश्मि देसाई के साथ एंड सॉरी रश्मि देसाई मैम के साथ एंड पारस कालानावत। शिवम डिटेल अबाउट योर, आप बताइए खुद के बारे में कि क्या बैकग्राउंड है और एसोसिएशन जो हुआ इनसे कैसा है आपका? आप बताइए सर, एज ए सिंगर कैसे इनके साथ में आप हुआ? क्या जी, एक्चुअली मेरी सिस्टर है जो मतलब मुझे बहुत सपोर्ट करती है अपने घर से, तो उन्होंने एक्चुअली मुझे भी पता नहीं कैसे करके शिवम भाई से बात हुआ। मुझे एक सरप्राइज कॉल आया कि आपको एक गाने का वो एक करना है, तो किसके साथ करना है वो मुझे पता नहीं था। तो बाद में पता चला कि वो किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ, फिर उधर मुझे मिले शिवम भाई, सुगत भाई मिले और सारे पूरे टीम मिले। यहाँ पे हमारे अरमान भाई है, फिर मंत्री जी हैं, उसके बाद बहुत अच्छे टीम मिले। तो मुझे फिर भी मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं इतने अच्छे प्रोडक्शन हाउस के साथ कुछ ऐसे मतलब ऐसे करने वाला हूँ। तो सपना तो सपना ही जैसा लग रहा था, फिर भी हकीकत जैसा कुछ महसूस नहीं हुआ। धीरे धीरे बाद में जैसे समय बीतता गया, मुझे महसूस होने लगा कि हाँ ये वाकई में हो रहा है। और सुगत भाई ने इतने अच्छे गाने बनाए कि मेरा मतलब जो जो वाकई में जो मेरे साथ जो मैं मेरे अपने ज़िंदगी में गुजर चुका हूँ, वो गाने को मैं अपने मतलब लगाओ एक मतलब बन तो वो लिरिक्स वो धुन और वो सारे। और शिवम भाई ने तो क्या बताऊँ मैं, इतने अच्छे मतलब सब कुछ एक मतलब ओवरऑल मतलब बहुत अच्छे मतलब रिलीज़ करवाए गाने को, तो मैं बहुत आभारी हूँ। और इतने छोटे से गांव से आने वाला जो अरुणाचल प्रदेश है, और मैं बहुत खुश नसीब मानता हूँ कि इतने अच्छे लोगों के मतलब सर्कल में मुझे मतलब शामिल किया गया। तो आई फील वेरी लकी है ना, आई थिंक और भी आगे बहुत ही अगर ऐसे ही प्यार मिलते रहा तो मैं आगे और भी कुछ अच्छा काम करते जाऊंगा। शिवम भाई है, सुगत भाई और सारे जितने भी यहाँ की इंडस्ट्री के लोग हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई फील वेरी लकी है ना टू बी द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। मैं शिवम को बहुत पहले से जानता हूँ, इनफैक्ट जितने भी लोग अभी यहाँ पे हैं उन सब में सबसे पहले मैं ही जानता हूँ शिवम। जब पहली बार मुंबई आए थे तब मैं भी यहीं रहता था मुंबई में, तो शिवम मेरे साथ ही रहते थे, हम एक साथ रहते थे एक ही फ्लैट में। तो शिवम एक्टर बनना चाहते थे पहले, और उसके बाद धीरे 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 क्लासेस सीखना, स्टेज परफॉर्मेंसेस करना, काफ़ी हम लोगों ने साथ में काम किया। उसके बाद ये कोरोना के बाद काफ़ी चीज़ें बंद हो गई, मैं दिल्ली था, उसके बाद वापस आने से पहले मुझे कॉल आया था शिवम का। तो शिवम ने मुझे पहले ही बोला था कि मैं कुछ नया प्लान कर रहा हूँ, आगे का प्लान कर रहा हूँ जिसमें हम लोग साथ में काम करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है आप करो शुरू, और जैसे पहले साथ हैं अभी भी साथ हैं आगे भी साथ देंगे, आप शुरू करो। तो शिवम ने बोला हम लोग पहला शूट करने चल रहे हैं यहाँ अरुणाचल प्रदेश, वहाँ लगा कि एक लास्ट कोना है इंडिया का अरुणाचल प्रदेश, जहाँ से चाइना भी 50-60 किलोमीटर है, ऐसी जगह पर शूट करना जहाँ पर एमिनिटीज़ नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ आप शूट करने के लिए जा रहे हो, बहुत बड़ा चैलेंज था एक ऐसे बंदे के लिए जिसने शुरुआत की थी अपनी। बहुत मुश्किल था वहाँ जाना और शूट करना, क्योंकि एक बड़ी टीम है साथ में आपके, वहाँ आप लेके जा रहे हो जहाँ एमिनिटीज़ नहीं है, अलग अलग लोगों को समझाना पड़ता है कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद सबकी अपनी सोच होती है कि मैं ऐसी जगह रहूँगा या नहीं रहूँगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद बहुत अच्छे से मैनेज किया। अनोम भाई की सिस्टर है दामिर दीदी, बहुत सपोर्टिव है, पूरी टीम को सपोर्ट किया, साथ में हेल्प किया हर चीज़ के लिए। जो फैसिलिटीज़ हम लोग नहीं करा पा रहे थे, शिवम जी की बहुत अच्छी उनसे बॉन्डिंग थी, तो दोनों लोगों ने मिलके पूरी टीम को मैनेज किया, सबके लिए फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ एवरीथिंग जो टीम को ज़रूरतें थी सब अवेलेबल कराई। वहाँ हमने शूट किया, अच्छे से शूट हुआ, और काफ़ी उम्मीदें भी थी गाने से, और
उसका रिजल्ट मिला हम लोगों को। तो ऑक्सीजन भी दिया होगा? ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी नहीं हम लोगों को, क्यों, क्योंकि इतने ऊपर भी नहीं गए कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए। सब यंगस्टर्स हैं, कोई ऐसा बुढ़ा तो है नहीं जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। हाँ, ऑक्सीजन वाली बात करें तो हम शूट कर रहे थे, फर्क नहीं पड़ता है शिमला में, तो 3 डिग्री टेम्परेचर था, हम लोग नाइट में शूट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ठंड थी, पूरी टीम कांप रही थी, खड़े हो गए। मनप्रीत शॉट के लिए रेडी, वन पीस में शूट था, तो उधर एक लोग खड़े हुए लेके कपड़ा, एक कॉफ़ी लेके खड़ा है, जैसे ही कट बोलो कपड़ा उड़ा दो। तो वहाँ लगता है कि ज़रूरत है जिन चीज़ों की, वो अवेलेबल है वहाँ पर, शिमला से चंडीगढ़ पास है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वहाँ मुश्किलें भी थी लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने मैनेज किया बहुत अच्छे से, तो ऐसी जगह पे ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, तो वहाँ सब चीज़ें मैनेज हो गई। अच्छा था ओवरऑल, टीम ने बहुत अच्छा काम किया अभी तक भी, और आगे भी अच्छा काम कर रही है। 3 गाने अभी शूट किए हुए हैं, अभी भी कुछ लाइनअप है, ये शूट करने जो किए हैं वो जल्द से जल्द रिलीज़ करने वाले हम लोग। मुझे भी शिवम ने एक गाने में अभी लॉन्च किया है, मैं भी जल्दी रिलीज़ हो, मैं भी चाहता हूँ कि आए आगे। और अभी भी एक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अनोम के साथ ही, अच्छा गाना है, जल्द से जल्द उसको। आप लोग इधर आ जाइए। जी, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, जैसे कि इन्होंने सब हिस्ट्री बता दी कि कैसे गए, क्या क्या हुआ। और रही बात शिवम की, तो शिवम को मैं पहले से जानती थी, इज़ लाइक माई ब्रदर, तो मैंने इसके साथ ऑलरेडी ऐसे हमने वर्क किया है, तो ही नोज कि मैं कैसी एक्टिंग करती हूँ, कैसे नहीं करती। तो सडनली इसका कॉल आता है कि ऐसा ऐसा शूट है, तो ये तेरे लिए चैलेंज है, जब तू करके दिखा दे। तो बोला ओके, क्योंकि एज अ एक्टर हमें करना, एज अ एक्टर मुझे चैलेंज लेना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने ओके करके दिखा दे। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि जब मैंने वो शूट किया तो मैं मनप्रीत नहीं थी, मैं ऑक्सी की मम्मा बन गई थी। लाइक वैसा फील, मुझे मैं फील बता भी नहीं सकती कि मुझे आई डोंट नो कि मेरे को बस वही फील हो रहा था जैसे कि मेरी मम्मा मेरे साथ फील करती है, जैसे हम बच्चे लोग करते हैं। ऐसे वेल, आई नो शिवम फ्रॉम पास्ट 1 ईयर, एक साल हो गया मुझे शिवम को जानते हुए, एक से ज़्यादा ही हो गया लगता। और जितनी खुशी इसे नहीं हुई होगी वो सॉन्ग करते हुए, उससे ज़्यादा मुझे हुई है। मतलब ये कंपनी इसकी है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये मेरा पार्ट है। और जब इसका कॉल आया कि सनी भाई ऐसे ऐसे हम एक सॉन्ग कर रहे हैं और मुझे आप चाहिए, तो मेरा, क्यों कहते हैं एक भाई का सीना चौड़ा होता है, क्योंकि आई हैव सीन हिम ग्रोइंग लाइक फ्रॉम हेयर टू हेयर, और आज ये एक प्रोडक्शन हाउस का मालिक है यार। पहले तो इसके लिए ताली हो जाए। मैंने और इसके लिए मैं हमेशा इसको अप्रिशिएट करता रहूँगा, बड़ा भाई मानता है और मैं इसको छोटा भाई मानता, तो ये है। और आदत मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मेरी, क्योंकि मेरी जर्नी का मेरा पहला एल्बम सॉन्ग है, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और मेरे, और स्पेशल बनाने वाला इंसान शिवम, और इसकी कंपनी को एक साल हो गया, सो कंग्रेचुलेशन टू हिम, और लव यू, गॉड ब्लेस हिम, ऐसे बहुत सारा काम देता रहे और क्या ही चाहिए। Sir, you sing a song for us. चलते चलते मैं गिरा तो ऐसा लगा, नाम लेकर तुमको कालो गिरा, याद आई जब तुमने ये था कहा, आके मुझको थामोगे तुम जहाँ, ओ लौट आऊ माँ, कहने को आसमां है यहाँ फिर भी है कमी, तुम कहाँ हो, ओ लौट आओ मेरी माँ, रहने को ये जहाँ है यहाँ फिर भी है कमी, तुम कहाँ हो, ओ लौट आओ मेरी माँ। सर सिंह के थ्रू हमारे सुगत भाई को कांटेक्ट हुआ पहले उनसे, क्योंकि हमारा भी प्रोडक्शन हाउस है, तो और हम जयपुर में हैं, मुंबई से कोई कांटेक्ट नहीं है हमारा इतना, तो बात होते होते सुगत भाई से इनकी बराबर बात हुई, तो बोले एक सॉन्ग है और वो आप एक बार देखिए, रिलीज हम करना चाह रहे हैं आपके चैनल पर। इन्होंने देखा हमारा चैनल और उनको अच्छा लगा, तो फिर राहुल भाई ने मंगवाया और हमने देखा,
शिवम भाई से तो मुलाकात कल ही हुई है, परसों परसों की है ना, फर्स्ट टाइम, और मिलके इतना दोनों शिवम भाई आए थे और हमारे डी ओ पी सर दोनों आए थे और हम 3-4 घंटे आराम से बात हुई, मुलाकात हुई थी और बहुत अच्छा लगा। और अभी सब मैं सुन रहा हूँ देख रहा हूँ तो रियली बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, मैं तो 2 दिन पहले ही मिला हूँ लेकिन जो सुन के लग रहा है वो बहुत अप्रिशिएबल है। और मेरी शुभकामना हमेशा पूरी टीम के साथ बहुत आगे जाए और मिल के काम करे, तो टीम वर्क से ही सक्सेस होता है और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को खुद को इन्होंने बुलाया और इस मौके का मेरे को हम सबको उपस्थित होने का मौका दिया तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर अभी करवा लो फिर रीच से बांध ऐसे तो हमारा यही है, कुछ आगे भी अच्छे हम वेंचर्स करना चाहेंगे, मिल के काम करना चाहेंगे और उस पर हम फोकस्ड है। अभी कल फिर हमारी मीटिंग होगी तो अभी गाने होंगे फिल्में भी होगी, स्टार्टिंग अभी सॉन्ग से स्टेप बाई स्टेप होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। कि कई लोग कहते हैं डायरेक्ट वेब सीरीज कर लो ये कर लो, करना सब कुछ है करेंगे लेकिन एक बार एक मुकाम हासिल होने के बाद फिर सेकंड पे नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए, मेरी सोच ये है और ये बिल्कुल जाएंगे और हम भी जाएंगे बिल्कुल ये बात पर। थैंक यू सर। थैंक यू। गाने के बारे में सर, आपके ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर क्या कुछ करना, कितने गाने हैं क्या? मेरे गाने आई विल स्पीक अबाउट शिवम बिकॉज इट्स अ टीओबीसी इवेंट। तो शिवम से मैं मिला था आई थिंक नवंबर में, लास्ट ईयर नवंबर में। फर्स्टली आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम बिकॉज ही जस्ट 22 इयर्स ओल्ड, आज ये एज में ही हैज हिज ओन कंपनी एंड ही हैज रिलीज अराउंड 4 songs राइट नाउ, 3 songs आर देयर। तो ये एज में इतना कुछ कर जाना इस काइंड ऑफ सब काफ़ी, जो बाहर से आते स्पेशली जो छोटे टाउन से आते इज़ फ्रॉम आगरा, तो इतने छोटे टाउन से आके मुंबई में ये सब करना, इट्स आई मीन इट्स अ बिग कमेंडेबल जॉब। और मैं ये कहना चाहूँगा शिवम इज वेरी हार्ड वर्किंग, ये मुझे बड़ा भाई मानता है, मैं उसको छोटा भाई मानता हूँ। कुछ भी चीज़ करनी है, कोई भी गाना करना है, कोई भी वीडियो करना है, भैया कैसे करूँ, भैया क्या कास्ट होनी चाहिए, आप मुझे हर बार सजेशन लेता है सजेशन सबकी, बट करता है एंड अपनी है। तो हमारा उस तरीके का रिलेशन है कि कुछ भी रहा तो हम पहले आके घर पे आके डिस्कस करते हैं कि कैसे करें क्या करें, देन हम सामने प्रोजेक्ट लेके जाते हैं। फर्स्ट टाइम जब आया था, जब हम मिले थे लास्ट ईयर नवंबर में, तब मेरा एक्चुअली स्टूडियो शिफ्टिंग हो रहा था, तो ही वॉज नर्वस एंड ही वॉज इन काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी कि कोई मेरे पास जो अभी फंड्स है वो कोई छीन ना ले या मेरा वेस्ट ना हो जाए। तो उसको ये जब फर्स्ट टाइम मिला था, मैं उसको 1 से 1.5 घंटा घर पे समझाया था कि कैसे काम किया जाए सामने, बट तभी भी आज मुझे पता चला बाद में कि ये काफ़ी घुमा भी था। बट ठीक है, जो भी है, बाद में हमने तुम मेरे पास बनाया और पहला ही सॉन्ग हमारा इतना सक्सेसफुल हुआ, गाना भी बहुत अच्छा चल गया, वीडियो भी इतना अच्छा बन गया, तो I'm looking forward for both songs with him and my best wishes are with him. Okay, Shivam, आखिरी सवाल चलते, जैसे लोगों ने चालीसा पढ़ा, शिवम चालीसा पढ़ा आपके बारे में, काफी तारीफ की और काफी बड़ा टीम हो गया है आपका, प्राउड फील करते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, प्राउड तो फील होता है, बट मैं सॉरी बोलना भूल गया, मेरा शिवम भाई जो मेरे साथ स्टार्टिंग से हैं, शिवम भाई और तुषार, इन लोगों का बहुत मेरा सपोर्ट है और आज भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कुछ भी मैं अगर करता हूँ तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं और हमेशा मेरे को मोटिवेशन करते रहते हैं कि नहीं शिवम, अगर कुछ करना है, जैसे अगर मैं कहीं फंस रहा हूँ या कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं अगर रात को भी मैंने कॉल कर दिया, ओके ठीक है हम आते हैं, तो ऐसा मेरा रिलेशन है इनके साथ। और हम जल्दी से ही नेक्स्ट सॉन्ग भी हम शूट करने वाले हैं उस टाइम में, उसका प्लानिंग चल रहा है हमारा। और बाकी एक नाम और लेना चाहूँगा मैं, अभिषेक बजाज मेरा फ्रेंड है जिसने मुझे दिल्ली में सपोर्ट किया है और उसका पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, कोई भी नहीं है, फिर भी उस बंदे ने मुझे यहाँ पे जब मैं आया था तो हमेशा सपोर्ट किया उसने। आ,
शिवम मुझे शायद कोविड से पहले 2019 में मिला था और कोरोना से पहले शिवम आया तो मेरा कुछ फिल्में विल्में चल रहा था और पीओवीसी का स्टार्ट हुआ था एक पार्क में बैठ के हम लोग स्टार्ट किए थे क्योंकि शिवम पहुंचा मेरे पास और पूछा कि सर ऐसे ऐसे करना है कैसे स्टार्ट करना है क्या करना है वहाँ से जब स्टार्ट हुआ था कुछ प्लानिंग शुरू हुआ फिर कोविड आ गया फिर थोड़ा दूर हो गया सब फिर कोविड के बीच में गाने स्टार्ट हो गए फिर लौट आओ माँ उसमें मैंने एज ए डायरेक्टर काम किया फिर चल रहा है उसकी आगे जाके बहुत सक्सेसफुल बने साथ है उसके ओके थैंक यू सामने सामने सेंटर सब जगह भाई ओके डन ओके ये बूम बटा बूम माइक मेरा माइक क्या केक लेके आओ वाओ केक के लिए सर पांच केक हैं यहां पर बाप रे बड़ा ये क्या बात है खाएंगे भाई प्रॉपर छोड़ दीजिए ना चलो कटिंग करो सर कटिंग ग्रेट सक्सेस चलिए चलिए कुछ खिलाओ एक दूसरे को खिलाओ यार फोटो 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 कितना ले लिया मंत्री जी को अरे खा लो यार इसको खिलाना पहले व्हाट कॉम्प्लीमेंट्स यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस सॉन्ग एक्चुअली ये गाना बहुत खास है मेरे लिए और ये पहला जो गाना है जो मैं अपने लाइक कमर्शियली में या फिर एक इतने बड़ी इंडस्ट्री में मैंने अपना आपको मतलब डेब्यू किया बाकी तो मैं रिजनल सॉन्ग्स गाता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत खास गाना है और ये और भी स्पेशल है क्योंकि ये माँ के साथ जुड़ा हुआ है और माँ के बिना तो हर एक इंसान मतलब ज़िंदगी में अधूरा है तो ये गाना उन सभी लोगों के लिए जो अपनी माँ से दूर है या फिर माँ को खो चुके हैं तो दिस इज़ वेरी स्पेशल टू मी एंड द लिरिक्स इज़ इट्सेल्फ इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स वेरी कनेक्टिंग और दिस इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी जो हाल ही में मेरे साथ हो चुका है तो ये बहुत रिलेट करता है इस जो गाना इस बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू शिवम भाई की मुझे मतलब भरोसा रखने के लिए मतलब मुझे इतना अच्छा मौका देने के लिए एंड आई विल बी ऑलवेज लाइफ टाइम ग्रेटफुल थैंकफुल टू शिवम सिंह And how was your experience working with him? It was like overwhelming. What to say? Like I never expected that कि industry वाले भी मतलब इतने मतलब दिल के साफ होते हैं और मतलब जब काम करना है तो करना है and we have to do it with perfection. There is no chances of any compromises or any leakage. ना कुछ भी मतलब इधर उधर करके नहीं 19-20 करके नहीं करना है तो दिल से करना है बाकी जनता है और प्यार देगी है ना Can you sing two lines of the song? Okay. सीएम भाई बोले तो रोल डेडी रोल मिलना भी तो है भैया बोलेंगे जी सर आप बता कौन सा खैर आदत जो एक सॉन्ग था मेरे पास शिवम का कॉल आया कि सनी भैया ऐसे ऐसे एक सॉन्ग है आदत और पहले तो आप सुनो मैंने वो सॉन्ग सुना उसकी लाइंस उसका एक एक शब्द जो है वो बहुत ही बेहतरीन लिखा गया है उसके सिंगर्स शिखा और शिवम दोनों ने बहुत अच्छे से गाया है और उतनी ही खूबसूरती से शिवम ने हालांकि कोरोना टाइम में हमने वो शूट किया है चंडीगढ़ के अंदर और शिवम कंटिन्यूसली कैमरा कॉल पर था व्हाट्सएप कॉल पर था कि भाई मेरे को शूट ऐसा चाहिए और वहाँ पर वो चीज़
आप सॉन्ग में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कितनी ब्यूटीफुली उन्होंने शूट किया है और क्या सॉन्ग निकल के आया है। और मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है वो सॉन्ग। एक तो ऑब्वियसली मेरे भाई ने अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी मेरे लिए के साथ में सॉन्ग करेंगे, और फिर वो जब सॉन्ग आया तो मेरी लाइफ का भी एक पहला एल्बम सॉन्ग है जो मेरे लिए बहुत स्पेशल था। तो उतना ही प्यार लोगों से भी मिला उस सॉन्ग को लेके, क्योंकि वो है ही इतना खूबसूरत। और एक उस सॉन्ग के पीछे जो नीयत जो है ना वो इसकी है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और अपने साथ साथ सभी को अपने साथ लेके चलता है। तो इसमें इससे बड़ी बात क्या ही बात होगी इसकी। बस धन्यवाद, बहुत पढ़ते हैं ऐसे हाँ, ये सॉन्ग बहुत ही, जैसे मैंने बताया आपको, रोमांटिक और इमोशनल है, बहुत अच्छे से शूट किया है और बहुत मेहनत की है। इवन कि हमारी पूरी होल टीम, लाइक हमारे डायरेक्टर, हमारे शिवम, इवन कि प्रोड्यूसर होते हुए पूरे सेट पे थे, हर एक चीज़ का ध्यान रखा है। तो बहुत अच्छे से ये सॉन्ग हमारा शूट हुआ है शिमला में। तो आई थिंक कि इसको जैसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है और हमें बहुत प्यार मिलना चाहिए। हमारा तो इसमें पार्टिसिपेंट एज ए रिकॉर्ड लेवल है, और शिवम भाई और सुगत भाई ने हमको अप्रोच किया था, या हमने अप्रोच किया था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी है। और हमारे लेवल पे अभी कल ही रिलीज़ हुआ है और बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, बहुत शानदार शूट किया हुआ है। जितना इसको ढंग से देखेंगे उतना बहुत ज़बरदस्त है, मतलब कहने मतलब ये है, बस यही बोलना चाहूँगा। बाकी बहुत अच्छा सॉन्ग, आप देखिए एक बार इसको। आपके म्यूजिक लेवल है क्या जो हमारा? हम म्यूजिक रिकॉर्ड लेवल है एलिगेंट टाइप प्रोडक्शन। तब क्या प्लान है क्या आपके, कुछ प्लानिंग है? प्लान्स तो बहुत सारे हैं, अभी बैक टू बैक सॉन्ग्स हैं हमारे, और टीओबीसी के साथ भी है शिवम भाई के साथ, अभी मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स अब लाइनअप में है, अभी 8 सॉन्ग्स रेडी है हमारे पास। शिवम भाई, शिवम भाई के साथ है अब तो मुलाकात हुई है और छोड़ेंगे नहीं हम शिवम भाई को। जी शिवम भाई, आप एज ए डीओपी क्या कुछ कहना चाहोगे आप? डिफिकल्ट था बट अब रिजल्ट आपके सामने, आप देख सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क नहीं पड़ता, थ्री चेयर्स टू फर्क नहीं पड़ता। शिवम भाई, हाँ, एज अ म्यूजिक कंपोजर ऑफ दिस सॉन्ग, मैं हर बार चाहता हूँ कि सॉन्ग के जो लिरिक्स हो या एटलीस्ट कुछ तो हो कि जो लोगों को फर्स्ट टाइम ही कैच कर ले। तो काफ़ी दिन से मैं हर बार हुक लाइन लिख के रखता हूँ पहले, देन हुक लाइन के हिसाब से सॉन्ग बनाता हूँ, तो फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं काफ़ी बार लोगों के कन्वर्सेशन में सुनते रहता था, तो उस हिसाब से मुझे आइडिया है कि ये एक लाइन पर सॉन्ग बनाया जाए। तो ये सॉन्ग मैंने एक्चुअली लॉकडाउन में बनाया था पिछले साल, एंड ये साल मैं उसको रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद सबसे पहले गाना मैंने शिवम को ही सुनाया, मैंने बोला सुन ये मैंने बहुत एक अच्छा सॉन्ग बनाया हुआ है, एंड इसने सुना, इसको फर्स्ट टाइम सुन के ही बहुत पसंद आया, फिर मनप्रीत ने सुना एंड वी प्लान टू डू उसी टाइम हमने डील कर लिया। यानी वो सॉन्ग मैंने और किसी को सुनाया नहीं, शिवम को ही फर्स्ट टाइम सुनाया। सही प्लान, एक लाइन सर की वोट का चल गाने टीम को। सिर्फ मैं यही बोलना चाहूंगा, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, और आगे भी मैं बहुत सारी प्लानिंग है मेरी, हम धीरे धीरे गाने भी कर रहे हैं साथ में, मेरा प्लानिंग चल रहा है वेब फिल्म का। तो मैं सभी टीम से यही गुजारिश करूंगा, जैसा सपोर्ट अभी मुझे दिया है वैसा ही सपोर्ट करते रहें, तो हम एक अच्छा काम करेंगे और जल्दी ही कोई बड़ा। जैसे कि आपने कहा आप एक्टर बनने आए थे, यस, तो कहीं कहीं नजर आने वाले हो आप? नहीं, दिल में तो है, और कीड़ा तो कभी नहीं मरता एक्टिंग का, तो देखते हैं अभी। सरप्राइज है हमारे लिए, देखा जाएगा सर। सुभाष भाई मुझे के लिए, मुझे भी सरप्राइज है ये। जी सुगत भाई तैयार हो सर आप? मुझको तुमसे बस यही गीला, बेहतर होता कि तुम मिलते ना मुझे, ये बता मुझे तेरे जाने से फिर ना आने से क्यों फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है।